नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 25 जुलाई 2021, और यहां पे 26 जुलाई 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और मेटल स्टॉक के एनालिसिस लेकर, फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले निफ्टी के मेटल से स्टार्ट करेंगे, और उसमें APL अपोलो 1622 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बिल्कुल अपने हाइयर जोन, देखिए यहाँ से मैंने एरो लगा रखा था कि यहाँ से अब इसको ऊपर जाना चाहिए था। मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया हुआ था, और वो सारे टारगेट 1600 तक का मेरा टारगेट था, वो सारे टारगेट डन होकर उसके ऊपर भी चला गया। अब 1665 से 1670 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो जोन ब्रेक हो जाता है तो 1700-1725 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में अगर 1600 को ब्रेक करता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को, तो ये कमज़ोर हो जाएगा, वापस 1550 का लेवल दिखा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, स्टेल लाइन के ऊपर में होल्ड कर रहा है, अगर ये होल्ड करता रह गया अपसाइड में जाने के लिए 1435 से 40, ये दो जोन अभी भी वैलिड है। राउंड नंबर पकड़ के अगर आप चलेंगे तो 1450 का लेवल आता है। 1450 के ऊपर निकलने के बाद आपको ये 1500 तक के लेवल अडानी इंटरप्राइजेस दिखा सकता है। नीचे अगर ये 1385-1380 ये सब रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो कमज़ोर हो जाएगा, फिर ये 1350 तक का सेल साइड में टारगेट दिखा सकता है। कोल इंडिया की बात कर लें, अपसाइड में जाने के लिए कोल इंडिया 150 के ऊपर निकलेगा तो 155 से 60 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। फिलहाल कोल इंडिया से कुछ ख़राब नहीं जब तक कि 140 के ऊपर टिका हुआ है। हिंडालको ने 400 वाला मेरा टारगेट डन कर दिया है, या इस जगह पे मैंने कॉल दिया था 383 से 85 के ऊपर बाय करने के लिए दिया था, वो टारगेट डन हो गया 400 वाला। अब ये उसी लेवल को, यहाँ पर से ये हमारा रेजिस्टेंस है, इस लेवल को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करे तब तक हम लोग पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। 405-6-7 ये सब लेवल अगर कटेगा तो ऊपर की साइड में 420 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे हिंडालको में। हिंद जिंक है आगे, हिंद जिंक के पास नीचे एक सपोर्ट है, ये बार बार इसी जगह से बाउंस होता है, वो है 320 रुपये का। जब तक 320 के ऊपर टिका हुआ टेंशन नहीं है, 320 के नीचे आने पर कमज़ोर हो जाएगा, ऊपर 340 के ऊपर दोबारा निकलता है तो फिर ये मजबूत हो जाएगा, 350 से 60 का टारगेट दिखा सकता है हिंद जिंक। JSW स्टील 717 इसका रेजिस्टेंस था, फाइनली उसको ब्रेक किया, 705-710 ये सब रेजिस्टेंस जोन था, इसको ब्रेक करके वो ऊपर गया तो अब सही हो गया, इसका चार्ट वगैरह भी सब सही। हो सकता है एक बार आपको थोड़ा और रिजेक्शन मिल जाए, हो सकता है एक बार वापस से 705 से 700 के आसपास देखने को मिले, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक मजबूत है। अप साइड में अगर ये 730 को ब्रेक करता है तो 750 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। जिन लोगों ने पोजीशन नहीं बनाया वो कृपया 700 तक आने का दोबारा से वेट करेंगे, 700 के पास अगर आता है तब पोजीशन बनेगा, या फिर ये 730 को ब्रेक करता है तब पोजीशन बनेगा। जिंदल स्टील की बात कर लें, जिंदल स्टील 397 के पास में ट्रेड हो रहा है, ऊपर जाने के लिए 400 का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करेगा 405 से 410 का इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है। मोइल 183 का लेवल, देखिए 188-190 का रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो देन 196 से 200 तक के टारगेट आपको मोइल भी दिखा सकता है। मोइल के बाद NMDC को चले तो NMDC 173.50 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है, इस बॉक्स से बाहर तो निकला और इस बॉक्स के अंदर वापस से आ गया, 180 का रेजिस्टेंस हो गया इसके पास। 180 के ऊपर अगर ये निकलता है तब आपको एक अच्छा पोजीशन दिखाएगा, 180 के ऊपर निकलने के बाद 185 और 190 तक के टारगेट आपको मोइल NMDC दिखाएगा, तो 180 के ऊपर निकले तो ज़रूर पोजीशन बनाना चाहिए। नेशनल एल्युमिनियम यानी नालको की बात करें तो देखिए इसमें 82.45 रुपये के आसपास की क्लोजिंग चल रही है नेशनल एल्युमिनियम में, ऊपर जाने के लिए कम से कम 88-89 ये सब रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेक करना होगा, तब जाके 90-92-96 ये सब के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो सपोर्ट जोन है उसी के पास में आके ये खड़ा है, यानी 80 रुपये का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, 80 के नीचे आ जाएगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा, 80 के नीचे, 80 के पास से बाउंस कर सकता है लेकिन 80 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा। रत्नामणी मेटल 2100 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई भी पोजिशन हम लोग नहीं बनाएंगे, 2100 के ऊपर निकलेगा तो 2125 से 2150 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लें, 130-135 के ऊपर निकलने के बाद 140 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। टाटा स्टील अगला स्टॉक है, टाटा स्टील अप साइड में जाने के लिए टाटा स्टील 1290-1295-1300 ये सारे रेजिस्टेंस होने, इसके ऊपर निकलेगा 1320 से 1350 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है।
वेदांता 267-68 के आसपास की क्लोजिंग है, वेदांता 280 के ऊपर अगर निकलेगा तो 285 से 90 तक का टारगेट दिखा सकता है। ब्लेशफंड कॉर्प, अब इसके चार्ट वैसे सही नहीं लेकिन जो थोड़े रिस्की ट्रेडर है वो इस जगह पे दोबारा से पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस 137 रुपये का एसएल लगा के टारगेट वापस से 155 से 160 तक का बन सकता है ब्लेशफंड कॉर्प में। तो ये है दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अब ज़रा फार्मा स्टॉक्स को लगाते हैं और देखें फार्मा स्टॉक में अरविंदो फार्मा किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अरविंदो फार्मा अपने रेजिस्टेंस जोन के पास में ट्रेड कर रहा है। 980 के ऊपर अगर अरविंदो फार्मा निकलता है तो आपको 1000 तक के टारगेट दिखा सकता है। नीचे अगर ये 960 ब्रेक कर गया तो 950 का इंट्राडे टारगेट बना देगा। बायोकॉन काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था, उसी तेज़ी से नीचे आ गया, वापस 200 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ये ले रहा है ये स्टॉक। अगर इसके ऊपर चला गया 405, 410, फाइनली 410 को पकड़ के चलेंगे, अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो आपको 420 तक के टारगेट देखने को बन सकते हैं बायोकॉन में। बायोकॉन 425 के ऊपर निकल जाएगा तो 440 का शॉर्ट टर्म कॉल बन जाएगा। कैडिला हेल्थ केयर देखिए इसने ब्रेक कर दिया नीचे, अब थोड़ा ये कमज़ोर हो गया है, मैं इसको 600 तक आते हुए देख पा रहा हूँ। अगर तब तक जब तक कि कोई तेज़ बाउंस नहीं आ जाए तब तक मैं इसको 600 के पास आते हुए देख पा रहा हूँ कि अगला इसका टारगेट होगा नीचे की साइड में। अगर ये 610, 612 ये ब्रेक कर गया तो 600 तक का टारगेट सेल साइड में कैडिला हेल्थ केयर दिखा सकता है। सिप्ला की बात कर लें, सिप्ला भी सेम यानी फार्मा स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ाया है, खैर कोई से दिक्कत नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है और 940 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है सिप्ला पर। अगर सिप्ला 940 को नीचे ब्रेक करता है तब ये वहाँ से 20 पॉइंट गिर सकता है 920 तक के टारगेट सेल साइड में। डिवीज लैब ठीक ठाक है, ऊपर के जोन पर ही ट्रेड कर रहा है तो ऐसा कोई ख़राब नहीं है। अप साइड में अगर 4850 को डिवीज लैब ब्रेक करता है तो 4900 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी की बात कर लें तो डॉक्टर रेड्डी पॉजिटिव है, फ्लैग पैटर्न है उसका, ब्रेकआउट कर रहा है। अप साइड में अगर डॉक्टर रेड्डी दोबारा से ब्रेक करता है 5450 के ऊपर तो आपको 5550 तक के टारगेट दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लें, ग्लेनमार्क फार्मा 640 का सपोर्ट है, उसके नीचे कमज़ोर हो जाएगा, 620 तक का टारगेट दिखा सकता है। लूपिन पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट टर्म कॉल भी है, 1200 का नेक्स्ट टारगेट है और 1200 के पास लगभग ये पहुंचा भी था, 1191 का हाई लगा था, दोबारा से ये 1200 के टारगेट दे सकता है, टेंशन नहीं लेना, इस गैप को फिल करने के लिए ये जा सकता है। PEL यानी कि पिरामल 2300 का रेजिस्टेंस है, 2300 के ऊपर निकलेगा पॉजिटिव मूवमेंट 2350 तक आपको दिखा सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा की बात कर लें, स्ट्राइड्स फार्मा में अपसाइड में 800 का रेजिस्टेंस है, 800 के ऊपर अगर स्ट्राइड्स फार्मा निकलता है तो 820 तक के टारगेट आपको दिखाने की कोशिश करेगा स्टार फार्मा, 800 का रेजिस्टेंस जोन, नीचे 760 का सपोर्ट है, उसके नीचे जाने पर ये कमज़ोर हो जाएगा। सन फार्मा 700 का कुल मिला के फिर से रेजिस्टेंस तैयार हो चुका है, 700 के ऊपर निकलेगा 710 से 720 के टारगेट। टोरेंट फार्मा की बात कर लें, टोरेंट फार्मा 3050 का, 55 का, 60 का, ये सारे रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये ब्रेक करता है तो 3080 से 3100 तक के टारगेट दिखाएगा। वोकट फार्मा की बात करें तो वोकट फार्मा काफ़ी नीचे के लेवल पर अवेलेबल है, मेरे ख्याल से वोकट फार्मा को अब ये जिस तरह से एक बार हायर लो बना रहा है तो कहीं ना कहीं ये अप साइड के सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, एक लो यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया और तीसरा लो यहाँ बना रहा है। अगर कल इसको ब्रेक नीचे नहीं करता है तो यानी 540 के नीचे कल अगर नहीं आया तब तो ठीक है, ऊपर अगर ये 560 ब्रेक कर गया तो एक अच्छा मूवमेंट 580 से 600 तक के टारगेट बन सकते हैं वोकड में। नोवार्टिस 1040 के ऊपर जाएगा तो 1060 से 80 के टारगेट बनेंगे। ग्रेनुअल्स इंडिया अभी पॉजिटिव है, कोई ऐसा खराब ही स्थिति नहीं है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, 390 के ऊपर जाने पर 410 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें, पॉजिटिव मूवमेंट 3500 के ऊपर निकलने के लिए फिर से तैयार है, 3500 के ऊपर निकलेगा 3600 के टारगेट। एस्ट्राजेनिका की बात करें तो एस्ट्राजेनिका 3700 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक पोजीशन बनाना खतरा होगा, रिस्की होगा, 3700 के ऊपर निकलेगा तो 3700 के बाद 3800-3900 तक के टारगेट एस्ट्राजेनिका में मिलेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक्स पर अपना व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे और मैं बता दूं अपने नए व्यूअर को कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन, जहाँ पे आपको कॉल प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ है बिरला सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टेल लाइन का सपोर्ट है, कल अगर ये ऊपर 400-402 ये सब ब्रेक करता है तो इंडाडे टारगेट 410 तक दिखा सकता है। नीचे अगर ये 395 ब्रेक करता है तो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, 390 से 85 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एस सी एल टेक
1010 के ऊपर निकलने के बाद 1020 से 1040 तक ये टारगेट HCL टेक भी आपको दिखाएगा। इन्फोसिस की बात कर ले, इन्फोसिस में इस रेंज के अंदर में फंसा हुआ, जब तक इस रेंज के अंदर, जैसे यहाँ देखिए इस रेंज के अंदर था, ऊपर निकला तो काफ़ी अच्छा गया। इसी तरह इस रेंज के ऊपर अगर 1600 के ऊपर निकल जाता है तो 1620 से 1640 तक के टारगेट आपको बना के दे सकता है इन्फोसिस। टाटा इलक्सी अगला स्टॉक है, ये भी सेम रेंज में फंसा हुआ है, 4400 के ऊपर निकलेगा तो 4450 से 4500 तक के टारगेट आपको टाटा इलक्सी भी दिखाएगा। माइंडट्री की बात कर ले, माइंडट्री 2720 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है, तो ऊपर जाने के लिए का एक रेजिस्टेंस है माइंडट्री में, 2800 के ऊपर निकलने के बाद माइंडट्री आपको 3000 तक के भी लेवल दिखा सकता है। नीचे 2700 का एक सपोर्ट है, अगर ये 2700 के नीचे कट जाता है तो 2600 तक के टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है, 100 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। विप्रो ने बहुत अच्छा लेवल दिखाया, काफ़ी तगड़ा, विप्रो वापस अपने उस रेंज को हासिल कर चुका है। विप्रो ने कई बार अपने आप को स्प्लिट किया, दोबारा से 600 के लेवल पर आ गया है, काफ़ी शानदार रिटर्न दिया इसने अभी तक में। और यहाँ से देखिए मैंने एरो लगाए थे कि यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, तो बिल्कुल ऊपर गया और ये अप साइड में जाके खड़ा हो गया। कल 602, 603 ये सब ब्रेक करता है तो 610 से 15 तक का एक इंट्राडे टारगेट हो सकता है। टेक महिंद्रा की बात कर लें तो टेक महिंद्रा 1131 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है और अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है, 1110 के नीचे आता है तो ये कमज़ोर होगा, 1100 के लेवल दिखाएगा। अदरवाइज अगर 1140 के ऊपर निकलता है तो 1050 से 60 तक का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। TCS बड़ा रेजिस्टेंस 3400 के ऊपर है, 3400 के ऊपर निकलने के बाद ये 3500-3600 के टारगेट बनेगा। रिसेंटली अगर ये ऊपर की साइड में 3255 से 60 को भी ब्रेक करे तो 3300-3350 तक के टारगेट TCS आपको दिखा सकता है। कोफोर्ज 4688 के पास, नीचे अगर ये ब्रेक करता है 4670 को तो 60 पॉइंट वहाँ से गिर सकता है, 4600 तक आने की कोशिश करेगा। और अगर ऊपर जाना है इसको तो 4770 को ऊपर ब्रेक करना होगा तो 4800-4850 तक के टारगेट कोफोर्ज आपको दिखाएगा। नौकरी यानी इन्फो एज की बात करें तो 5142 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है, 5400 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट होगा तो 5500-5600 के टारगेट मिलेंगे। LTI की बात करें, L&T इन्फोटेक 4360 के ऊपर निकलने के बाद 4500 के ऊपर अब इसका रेजिस्टेंस है, 4500 के ऊपर जब निकलेगा तो 4600 के टारगेट देगा। फिलहाल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था, अगर ये 4320 के नीचे आता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा, फिर 4260 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। एम्फासिस की बात करें, एम्फासिस 2530 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 2530 के आसपास, ऊपर हाई लगाया था 2677 के आसपास का, अब इसका जो सपोर्ट हो गया वो हो गया 2400। एक बार ये हो सकता है कि 2400 को टेस्ट करे तो हम लोग इस जगह पे वेट करेंगे, अगर यहाँ पर आता है और यहाँ से बाउंस करेगा तो पोजीशन बनेगा, इस वक्त कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा। जस्ट डायल 970 के आसपास की ट्रेडिंग कर रही है, 1100 से घूम के नीचे आ गया, अब देखिए ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ गया जो कि प्राइस आ रहा है 950 का, अगर इसको बाउंस करना है तो यही सही जगह है जहाँ से ये बाउंस कर सकता है। हो सकता है एक बार ये 950 को, अभी तो 970 के आसपास है, एक बार 950 को टेस्ट करे, 55 को टेस्ट करे तब बाउंस करे, तो ये चांस भी आपको लेके चलना चाहिए यहाँ से। हैप्पीएस्ट माइंडसेट, ऊपर जाने के लिए वापस अब 1500 का रेजिस्टेंस है, 1500 के ऊपर जाएगा तो 1550 से 1600 के टारगेट, नीचे अगर ये ब्रेक करता है 1375 को तो कमज़ोर हो जाएगा, 1350 से 1325 के टारगेट मिलेगा। तो निफ्टी के मेटल, आईटी, फार्मा और आईटी स्टॉक्स के बाद दोस्तों अब ज़रा हम लोग फाइनेंशियल स्टॉक को देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बजाज फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस की बात कर ले तो बजाज फिनसर्व 13200 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है, तो मेरा टारगेट हो गया है डन। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि ये 12800 के ऊपर निकलेगा, 13200 तक के टारगेट देगा, तो वो टारगेट तो फिलहाल डन हो गया। कल अगर ये 13250 के ऊपर निकलता है तो आपको 13400 तक के टारगेट और 500 तक के भी टारगेट आपको बजाज फिनसर्व दिखा सकता है। बजाज फिनसर्व के बाद बजाज फाइनेंस की बात कर लें तो 6300 का रेजिस्टेंस है, 6300 के ऊपर निकलने के बाद 6400 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। मैं अपने नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।
चोला फाइनेंस काफ़ी नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही नीचे के लेवल पर चोला फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। देखिए ये जगह है जहाँ से इसको अब नहीं जाना चाहिए, नीचे की साइड में यहीं से इसको बाउंस करके जाना चाहिए। तो चोला फाइनेंस में एक रिस्क लिया जा सकता है यहाँ से अप साइड में 510 के ऊपर निकलने बाद 520 से 540 तक का शॉर्ट टर्म कॉल बन सकता है चोला फाइनेंस में। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 285 के ऊपर निकलने के बाद आपको नया टारगेट 290 से 295 तक का देखने को मिलेगा। एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले तो एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है 90, 91, 92 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको 95 से 97 तक के टारगेट मिल सकता है। नीचे 87 रुपये के नीचे कमजोर हो जाएगा, फिर ये आपको 85 तक के टारगेट दिखा सकता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 454 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेके बैठा हुआ है 450 रुपये का। इसके नीचे जाने पर ही ये कमज़ोर हो जाएगा, अदरवाइज़ ये सही जगह है। अगर इसको बाउंस करना है, ऊपर जाना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ से बाउंस करके ऊपर जा सकता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यानी 460 के ऊपर निकलने पर 470 से 80 के टारगेट बनेंगे। एमएनएम फाइनेंस की बात करें तो 160 के ऊपर निकलने बाद 165 से 70 के टारगेट देखने को मिलेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस, देखिए मन्नापुरम फाइनेंस 200 तक का हाई लगा दिया। मैंने कहा था 180 के ऊपर निकलने बाद फिर वो लेवल दोबारा आएगा नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं आना भी नहीं चाहिए। अच्छा है ये ऊपर ही ऊपर, मेरे ख्याल से इसका वैल्यू कम से कम 500 रुपये का होना चाहिए। ये अभी भी 200 पर ट्रेड कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है, वरना इतने सालों तक तो बेचारा नीचे ही ट्रेड कर रहा था। 200 के ऊपर अगर निकलता है तो बहुत तेज़ी से आप 210, 220, 230 तक के टारगेट मन्नापुरम फाइनेंस में देख सकते हैं। मुथूट कैप की बात कर ले, काफ़ी दिनों बाद मुथूट कैप अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर भागा है और एक अच्छा वॉल्यूम भी नीचे जनरेट किया, लेकिन रिजेक्शन भी उसी तरीके से इसको मिला है। 500 का रेजिस्टेंस है, 500 के ऊपर निकलने बाद 520 से 40 के टारगेट बनेंगे। मुथूट फाइनेंस की बात कर लें 1567 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है मुथूट फाइनेंस। अप साइड में 1620 के ऊपर निकलेगा 1650 तक के टारगेट बनेगा। 1550 के नीचे आने पे कमजोर हो जाएगा, 1500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसआर ट्रांसफिन अप साइड में जाने के लिए एसआर ट्रांसफिन फिर से तैयार खड़ा है। अगर एसआर ट्रांसफिन ऊपर निकलता है 1420 1430 को ब्रेक करता है तो 1450 से 60 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।